हमारी गलती थोड़ी है जब मुहर्रम आया। ये गलती की वजह से मुहर्रम आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, ठीक हो? आपके साथ में आजादी यही है फिलहाल तो एंजॉयमेंट के लिए। आपको पता है कौन सा महीना है? जी पता है। कौन सा? मुहर्रम। तो फिर सारे एंजॉय कर रहे थे, हम भी एंजॉय। सारे गंद खाओगे, आप भी खाओगे भाई? एंजॉयमेंट तो जाहिर बात, 72 साल से एंजॉय कर रहे हो ना? बिल्कुल। तो ये दो साल होंगे तकरीबन, हो सकता है गुजारा इसके बगैर? हो सकता है। आपके साथ हो सकता है। इन अस्थियों की शहादत है, आजादी का हो सकता है ना? हो सकता है। मैं इससे प्रॉमिस नहीं कर रहे, अल्लाह ताला से कर रहे हैं, वाम के साथ हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब, और आप देख रहे हैं टीवी तमाशा। 14 अगस्त की आज रात है, 13 अगस्त की रात है, कल 14 अगस्त है, मुहर्रम का महीना है। आपको बैक साइड पे दिखाता हूँ क्या हो रहा है। आ जाए, भाई मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ, कुछ पूछ सकता हूँ? क्या हो रहा है? ये डांस कर रहे हैं भाई। क्यों? ये जो आजादी के लिए, खुशी के लिए। आजादी के अलावा अगर मैं, अगर आपकी इजाजत तो बुरा नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, की बात है। डोंट वरी डोंट वरी। कौन सा महीना है ये? मुहर्रम अल हराम का। तो ये सब ठीक हो रहा है? ठीक तो नहीं हो रहा, पर खुशी तो मना रहे ना। 72 साल से आजादी मना रहे हैं ना? जी जी जी। तो ये 2 साल मुहर्रम अल हराम में आएंगे, कितनी बड़ी शहादत है। बहुत बड़ी शहादत है, बहुत बड़ी। ऐसे अफसोस की बात है, किन हस्तियों का महीना शहादत है? नवासे रसूल, शोर तो ना कर लो, मैं अभी कहां जा रहा हूं, जरा सब देखो ना यार। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुबई से आया, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक हो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कुछ नहीं करूंगा, आपने फैसला करने के, ठीक हो रहा है गलत हो रहा है। पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाने में मेन किरदार किसका था? मेरा, मेरा ये तो चवल होगी ना, ये तो इतना बड़ा झंडा लगाया तो मेरा ही है किरदार। झंडा लगाना मकसद नहीं है, पाकिस्तान अलावा पठानों का किरदार था। क्या किरदार था? उन्होंने अंग्रेजों से जंग लड़ी, हिंदुओं से जंग लड़ी, तभी तो पाकिस्तान। एक नस्वार से तो जंग लड़ नहीं सके? नस्वार जब डालते तो पठान पर लड़ भी सकता है ना, वैसे तो लड़ भी नहीं सकता। अच्छा मुझे बताओ, मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम का महीना ये सब जो कुछ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है? क्यों ठीक है, गलत की इसमें गलत क्या है? आपको मुहर्रम की एहतराम और तज़ीम नहीं पता? फिर और लोगों को फिर रमजान के एहतराम और इसके तमीज़ नहीं, तमीज़ का नहीं पता? मुहर्रम में नहीं, जो रमजान में बात करो उसमें क्या बात तहजीबी होती है बताओ, जिसमें लोग यही आजादी सिलेंसर निकाल के। यही आजादी है, यही आजादी है। पता महीना कौन सा? मुहर्रम अल हराम का। तो ये जेब देता है? नहीं। फिर इसके बगैर गुजार हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है, हो सकता, हो सकता है। करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे। ये सिर्फ कैमरे में कह रहे हैं या वाकई में? वाकई में करेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या कर रहे थे ये? पटाखे। क्यों? वजह? क्या कर रहे थे? बुरी बात होती जी? बुरी बात क्यों? आप तो आप पाकिस्तान बने, हम बजाएं पाकिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान इधर कुछ भी हो सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात। आपको आपको पता है मुहर्रम का महीना? मुहर्रम का महीना है, पता है? रिस्पेक्ट वाला महीना है, इसीलिए तो आतिशबाजी नहीं हो रही। ये जो हो रही है अच्छी बात है? नहीं यार, अच्छी बात नहीं है। क्या मैसेज दोगे सारे यंगस्टर्स को? यार मैं क्या बजाऊं, क्या ऊंचा बजाए? ये हमारी गलती थोड़ी है जो मुहर्रम आया। ये गलती की वजह से मुहर्रम आ रहा है? नहीं तो मैं नहीं कह रहा, हमारी गलती तो नहीं है जो अचानक थोड़ी ना आती है। तो मुहर्रम वो देखो, वो अगस्त बेटा आप लोगों ने 72-74 साल से आजादी मनाई है ना ऐसे ही, तो ये 2 साल मुहर्रम में आएंगे। मुहर्रम कितना बाबरकत और कितनी, मैं अब आपको क्या अल्फाज मालूम, कौन सा महीना आपको पता है ना? तो फिर उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट हो सकती है कि नहीं? चले बताए ना, उसके अंदर एहतराम किया जाता है, अदब किया जाता है, लोगों को मना कर दिया जाता है शादियां ना करें, खुशी ना मनाए। अच्छा। चूंकि बहुत बड़ा गम है, इसकी कुर्बानी के बाद आपको इस्लाम मिला है और आप मुसलमान हो। इसकी कुर्बानी के बाद आपको इस्लाम मिला है और आपको आपको ये इस्लाम मिला है। नस्लीन कुर्बानी के बाद नवासे रसूल भी है। क्या कहोगे, कुछ कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे तो मैंने कुछ नहीं कहना। आप कुछ कह रहे? आवाज नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही भाई। अब आपको आवाज नहीं आ रही?
सॉन्ग मंगल जी कैसे आप? ठीक है, खैर अंकल, आप इस माहौल को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा माहौल है आपके सामने। ठीक कर रहे हैं लड़के, ठीक कर रहे हैं। बहरहाल अगर गड़बड़ ना हो जाए और सही है। आपको पता है मुहर्रम का महीना है? हाँ, एहतराम वाला महीना। बिल्कुल जी बिल्कुल, इनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ज्यादा शोशा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए था, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी तरह। अभी बता रहे कुछ लड़कों ने कुछ गलत हरकतें भी की है यहाँ पर, अभी रश के अंदर हो सकता है ना, क्योंकि इस्लामी तौर पर भी नाजायज है, मुआशी तौर पर भी नाजायज है। हो सकता है, क्यों नहीं, बहुत गलत काम किया। आपको पता है इस बारे में? जी बिल्कुल, ये गलत है, मुहर्रम तो हराम का महीना है। अभी जो गाड़ी में हुआ आपको पता है सब कुछ? तो सब लगे हुए, सब देख रहे हैं। तो बस ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शर्म के साथ और अफसोस के साथ बात करूँ कि न्यू सिटी फेस टू आर्केड के अंदर वाकेंड के अंदर ये वाक्य हुआ है, जश्न आज़ादी के मौके पर, जो कि मुहर्रम के दिन है, खास ताक 4 मुहर्रम के 5 मुहर्रम आ जाए। और जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, मैं उसको अल्फाजों में बयान नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। गलत कारी हुई है, जो कि इस्लाम में भी नाजायज़ है, मुआशी तौर पर भी नाजायज़ है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।